किसी सज्जन का प्रश्न आया हुआ है, क्या श्राद्ध में सन्यासियों का निमंत्रण किया जा सकता है? योग्य सन्यासी हैं तो उनको श्राद्ध में हम निमंत्रण कर ले में क्या कर सकते हैं? इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तर देने की कृपा करें, ऐसा प्रश्न है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है थोड़ा गंभीर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, और ये विद्वत भोग्य है, इस पर शास्त्रार्थ है। पारस्कर गृह सूत्र के कात्यायन प्रोक्त परिशिष्ट में जो कि श्राद्ध सूक्त है, उसमें भगवान कात्यायन लिखते हैं कि एके यतीन निमंत्रयंती, कुछ लोग यतियों का भी निमंत्रण करते हैं, सन्यासियों का निमंत्रण कुछ लोग करते हैं। इनका मुख्य पक्ष तो नहीं है, लेकिन किसी विद्वान का पक्ष है, और उसमें उसको खंडन न करके आचार्य कात्यायन ने अपने श्राद्ध परिशिष्ट सूक्त में और उस सूत्र को लिखा है। तो इसके ऊपर आचार्य गदाधर जी की व्याख्या को आप देखेंगे, दीक्षित गदाधर कृतम श्राद्ध सूत्र व्याख्या, गदाधर दीक्षित जी की व्याख्या को देखिए। कह रहे हैं कि एके यतीन निमंत्रयंती, कुछ लोग यतियों का निमंत्रण करते हैं। तदुक्तम संपूजयेत यतिम श्राद्धे पितृणाम पुष्टिकारकम ब्रह्मचारी यतिश्चैव पूजनीयो हि नित्यशः। ये वचन दे रहे हैं कि देखिए, शास्त्र वचन के अनुसार यतियों का भी शास्त्रों में श्राद्धों में निमंत्रण करना चाहिए। ये अभी पूर्व पक्ष चल रहा है, समझना, पूर्व पक्ष माने प्रश्न चल रहा है, इसको उत्तर मत समझ लीजिए, क्योंकि लोग बहुत थोड़ा सुन करके और फिर बंद कर देते हैं। वीडियो में भी ऐसा है कि इसमें भी चालाकी कर रहे हैं लोग, थोड़ा सुना बस हमको समझ में आ गया, अब वो पीछे क्या कह रहे हैं फिर उसके ऊपर गलत टिप्पणी करते रहते हैं कि आपने कह दिया कि भाई ये तो ऐसा है ऐसा है। अरे उसको पूरा तो सुनिए धैर्यपूर्वक, नहीं समझ में आया है दोबारा सुनिए, तब आप उस पर कुछ कहने के अधिकारी हैं। तो इसलिए बतला रहा हूं कि ये पूर्व पक्ष चल रहा है, ये शास्त्रीय पक्ष उत्तर नहीं है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग श्राद्धों में यतियों का निमंत्रण करते हैं। देखिए शास्त्र में भी ये वचन आया है, अब इसका अर्थ ये खोलेंगे आचार्य आगे। तो कह रहे हैं मार्कंडे पुराण में भी ऐसा लिखा हुआ है कि भिक्षार्थ मागतान वापी काले संयम नो यतीन भोजयत प्रणताद्यस्तु प्रसादोद्यत मानसः। तो फिर आचार्य गदाधर दीक्षित जी कहते हैं कि जो यति शब्द आया उसका अर्थ क्या है? बोले यहां श्राद्ध संबंधी वचनों में जहां भी यति शब्द आता है, अब उत्तर पक्ष है ध्यान दीजिए, तो कहते हैं यतिस्तु त्रिदंडी, यति का मतलब है त्रिदंडी स्वामी, न तो एक दंडी, एक दंडी के लिए निषेध किया है। एक दंड नाम श्राद्धे निरस्तत्वात्, एक दंडी का तो श्राद्ध में अधिकार नहीं है। तथा बोले ये आप जो आचार्य जी आप जो इस वचन को कह रहे हैं कि यतियों का जो है एक दंडी का श्राद्ध में अधिकार नहीं, इसका शास्त्र वचन बोलिए। तो कह रहे हैं कि मुंडान जटिल काशायान श्राद्धे यत्नेन वर्जयेत, जो मुंडी है अथवा जटिल है, जटा धारण करने वाले किसी भी प्रकार के काषाय वस्त्र को पहनने वाले जो सन्यासी है, श्राद्ध यत्नेन वर्जयेत, प्रयत्न पूर्वक उनका श्राद्ध में वर्जन करना, उनको श्राद्ध में निमंत्रित नहीं करना चाहिए। शिखिभ्यो धातु रक्ते व्यस्त त्रिदंडिभ्यः प्रदापयेत, लेकिन यदि कोई जो त्रिदंडी स्वामी है, त्रिदंडी सन्यासी है, तो उनको कर सकते हैं। यतिम कुटी चकम बहुदकंच इतरयो कलौ निषिद्धत्वात्, बोले कुटी चक और बहुदक, इसलिए हंस और परमहंस तो है ही नहीं,
जिनके मतलब है कि आगे कलयुग में नहीं होंगे, हंस और परमहंस, कुटीचक और बहुदक को भी श्राद्ध में निमंत्रित नहीं करना। चार तरीके के सन्यासी होते हैं, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, क्रमशः कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस ऐसे हैं। तो इन सन्यासियों का परिवर्जन करना। कुछ लोग जो है वैष्णव संप्रदाय में या मुख्य रूप से यहाँ भी सन्यासियों में भी जो त्रिदंडी होते हैं उनका जो है अधिकार है श्राद्ध आदि में। आगे एक वचन दे रहे हैं, वो भी बड़ा काम का है, दीर्घ कालम ब्रह्मचर्यम वानप्रस्थाश्रमम तथा हंस परमहंसश्च कलौ नैतच्चतुष्टयम्। ये चार जो है चीजें, चार धर्म आश्रम ये कलयुग में नहीं है। क्या चीज? दीर्घ कालम ब्रह्मचर्यम, दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गुरु जी के यहाँ रह करके ब्रह्म और जो है वेद का अध्ययन करना। एक वेद में जो है 12 वर्ष लगती हैं, चारों वेदों को पढ़ेगा 48-50 वर्ष लग जाएंगी, तो ये कलयुग में संभव नहीं है इतने दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक और वेदाध्ययन किया जाए। एक बात, वानप्रस्थाश्रमम तथा घर में पंचाग्नि या त्रिअग्नि या द्विअग्नि की स्थापना करके और उनका जो है विधि पूर्वक अग्निहोत्र की विधि से अग्निहोत्र करना सुबह और शाम, फिर बाद में वनस्थ पत्नी के सहित या अकेले ही वन में जाकर के वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करना और वहां भी मुन्य अन्न को खा करके अग्नि की परिचर्या और ब्रह्म का जो है चिंतन करना, इस ये सब कर्म युक्त जो वानप्रस्थ धर्म है वो भी कलयुग में वर्जित है, कलयुग में वो भी नहीं कर सकते। हंस और परमहंसश्च कलौ नैतच्चतुष्टयम्। हंस और परमहंस संन्यास फिर कह दिया गया है कि जब तक गंगा जी इत्यादि हैं तब तक ये जो है हंस और परमहंस संन्यास हो सकता है, ये भी आगे आचार्यों की व्याख्या है। तो कहने का तात्पर्य कि अपने यहाँ किसी भी श्राद्ध में, चाहे महालय हो, पार्वण हो, एकोदिष्ट हो या कोई तीर्थादि अन्य श्राद्ध हो, कहीं भी यति सन्यासी का निमंत्रण नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में त्रिदंडी स्वामी को बुलाया जा सकता है। और कह रहे हैं श्राद्ध में द्विर्नग्न को न बुलाए, जो द्विर्नग्न माने दो बार नंगा, जो दो बार नंगा हो उसको श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। पारिभाषिक शब्द है कर्मकांड का द्विर्नग्न। द्विर्नग्न किसे कहते हैं तो इसकी भी व्याख्या आप देख लीजिएगा। ये जो है गदाधर कृत श्राद्ध सूत्र भाष्य में ही वहीं लिखा हुआ है कि यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्येत त्रिपुरुषम् द्विर्नग्ना सतु विज्ञेया श्राद्ध कर्मण निंदितः। कह रहे हैं कि यस्य वेदश्च वेदी च, जिसने जो है वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने जो अग्निहोत्र आदि की दीक्षा नहीं ली, वेदी माने अग्निवेदी, ना तो जिस कुल में वैदिक संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो रहा है, ना ही जो वेदाध्ययन कर रहे हैं और ना ही जो अग्निहोत्र की, तो फिर बात ही नहीं है। ऐसा तीन पीढ़ी तक जिसके यहाँ नहीं होता है, विच्छिद्येत त्रिपुरुषम, तीन पुरुष तक, तीन पीढ़ी तक जो है संस्कारहीन, वेद विद्या विहीन, अग्निहोत्र से विहीन, ये तीनों कालों कार्यों से जो विहीन होते हैं, मुख्य रूप से वेद और वेदी से जो विहीन होते हैं, तो उनको द्विर्नग्न कहा जाता है। सतु विज्ञे श्राद्ध कर्मण निंदिता, उनका भी श्राद्ध आदि कर्म में जो है कभी भी निमंत्रण आदि या उनको बुलाना, उनसे श्राद्ध कराना, उनसे यजन याजन कराना वह निषिद्ध है। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मणों को ही श्राद्ध में अधिकृत किया गया है। हर हर महादेव।